नाजरीन किराम आदाब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ मुद्दत से हमारी रियासत में हार्ट अटैक्स के काफ़ी सारे वाकात देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ देर ये अफवाह चली कि जो फोर्स केयर सिगरेट इस्तेमाल करते हैं अक्सर बेशतर उनकी डेथ होती है, लेकिन कई ऐसे भी नौजवान हमारे जिनमें मैक्सिमम ऑफिसर्स थे जो नॉन स्मोकर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। मौत की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदकशी की, हालांकि वैसे तो मुसलमान इस्लाम में खुदकशी को हराम करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने खुदकशी की, कई सारे जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस थी वहाँ पे हार्ट या एक्सीडेंट्स देखने को मिले, और हार्ट अटैक्स का बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे प्रभाव रहा हमारी रियासत में। आज हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बात की जाए कि आखिर इसकी वजह क्या है, कहीं ये डिप्रेशन तो नहीं है, क्या इसमें ऐसे कोई साइंटिफिक ही प्रॉब्लम है जो लोगों में अभी उभर रही है जिस वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और कार फर्मा है। तो आज के इस मुबाहसे में हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब को, जो पैथोलॉजी में अपने फिजिशियन जनरल फिजिशियन थे और जेएमसी में काफ़ी देर वो रहे हैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उनके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सईद अतीक साहब बड़गाम से, जो एक तजिया निगार हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे और भी अगर हमारे मेहमान हमसे जुड़ पाए उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। सर, आप मुझे बताएं, जैसे कि आपको भी पता है, आप भी बिलोंग करते हैं हमारे जे एंड के स्टेट को ही, और आप मेडिकल प्रोफेशन के साथ काफ़ी देर वाबस्ता रहे, काफ़ी एक्टिव सर्विस दी है आपने, वैसे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी आप रहे, आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है जो आजकल अक्सर बेशतर ये हार्ट अटैक्स के वाकात रोनुमा होते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। जवाब देने से पहले मैं ये वाजे कर दूं, थोड़ी सी मेरा तारुफ करने में थोड़ी सी भूल चुकी, मैं मेडिकल कॉलेज में एज टीचिंग काम करता था, एज पैथोलॉजिस्ट मैंने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, लेकिन मैं 1975 से आज तक बराबर एक कंसल्टिंग फिजिशियन जनरल फिजिशियन केसेस से काम करता रहा, यानी पैथोलॉजी मेरी एक एडिशनल डिग्री थी, तो उसमें मेरा काम सिर्फ पढ़ाना था, मसलन डायबिटीज था, हार्ट डिजीज या कोई भी डिजीज थी, वो सर पढ़ाना और वो लेबोरेटरी में काम करना, वो बाद में आया, लेकिन बेस बुनियादी तौर पर मैं शुरू से ही एक जनरल फिजिशियन रहा। और मेरा ये शौक भी था कि मैं मरीजों के साथ घुल मिल कर बात करूँ, फिर उनकी हर दास्तां पूरी तरह सुनूं, फिर इन्वेस्टिगेट करूं, फिर एक डायग्नोसिस करूं, उसके बाद ट्रीटमेंट करूं, और उनको इस वक्त और मैं इस उम्र तक करता रहा। आपका सवाल जो है इस बारे में मैंने बहुत से मजामी लिखे हैं जो यहाँ और वादी से बाहर भी शाये हो चुके हैं। ये सवाल कि हार्ट अटैक में नौजवानों में अचानक इजाफा क्यों हुआ, जवाब ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ, ऐसा अमेरिका में भी हुआ है और हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में भी हुआ है। पिछले 20-30 बरसों में हुआ यूं कि नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने की शरह बहुत ज्यादा हो गई हर मुल्क में, जिसके बहुत सारे वजूहत हैं, लेकिन हम कश्मीरी हैं, उनके लिए बहुत सारे साइंसदान हैं, बोलने वाले, हम अपनी रियासत की बात करेंगे। तश्वीशनाक बात है कि पिछले कई बरसों से हम सुन रहे हैं कि नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत तेजी से इसकी शरह बढ़ रही है। इसमें ये बुरी खबर है कि वक्त आया है ऐसा भी हम गरीबों पर, हम कश्मीरियों पर, कि अब वालदेन
बूढ़े बुजुर्ग ही ताबूत को कंधा देते हैं और अपने नौजवानों को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, ये बुरी खबर है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता रहा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। हम अपने नौजवानों में हो रहे इस हार्ट अटैक को बड़ी आसानी से काबू कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे नौजवान अपने मुआलिजीन और माहिरीन की राय पर सद दरसद अमल करें। यानी जो कुछ हम कहें, जो कुछ माहिरीन अमराज कल्ब कहें, उस पर अगर सख्ती से अमल किया जाए तो इस पर बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ आप जानते हैं कि कब से हालात नामसाइद हैं। एक वक्त था हम एक जन्नत में जिंदगी गुजारते थे और फिर एक आंधी चली, एक तूफान आया, हमारे समाज का शिराजा बिखर गया। नामसाइद हालात के शुरू होते वक्त आप कितने बरस बीत गए तो आप जानते ही हैं। यानी वो नौजवान जो उस वक्त पैदा हुए अब नौजवान हैं, उनको एक खुशहाल जिंदगी नहीं मिली जैसे बचपन में मिलनी चाहिए। वो लोग मुसलसल हड़ताल, कर्फ्यू, बंदिशें वगैरह से घरों में ही मुकीम रहे, न कोई वर्जिश, न कोई मुरतब मुनजम जिंदगी, सिर्फ खाना पीना, उसमें भी फास्ट फूड जंक फूड शामिल। वो लोग एक उनका जिस्मानी जो जिस्मानी नशोनुमा या जहनी नशोनुमा अच्छी तरह नहीं हो सकती। वही बच्चे आज नौजवान, थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो आज 30 साल के हैं उस वक्त बच्चे थे, तो वो हमेशा एक जहनी कश्मकश में मुब्तला है। हर कोई रहा, लेकिन मैं उनकी नौजवानों की बात कर रहा हूँ। हर किसी ने अपना अपना हर किसी ने खोया, बूढ़ी ने बुढ़ा खोया, जवानी ने जवानी, कोई बच्चे ने बचपन खोया, लेकिन वो उस माहौल में पलते रहे। और ये बात साबित हो चुकी है, जो भी कंफ्लिक्ट जोन होता है उसमें अमराज दिल की शरह बहुत ज्यादा होती है या जहनी अमराज की। तो वो बच्चे जब बड़े होते गए, उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं मिली, वो हमेशा डिप्रेशन के शिकार है। और उस डिप्रेशन नहीं, वो अफसोसगी, सही मानों में डिप्रेशन एक खतरनाक और मोहलिक बीमारी है और खामोश कातिल है। लोग नहीं जानते हैं कि वो डिप्रेशन में मुब्तला है। इस वक्त डिप्रेशन 2021 में तमाम दुनिया में पहली बीमारी है जिससे लोग मतलब बेकार हो जाते हैं या कुछ कर नहीं सकते, अपना रोजगार नहीं कमा सकते। सो जिस वक्त हमारा नौजवान जहनी तौर मरीज रहा, वो नशावर दवाइयों का इस्तेमाल करता रहा, नशावर दवाई इस्तेमाल करने से दिल के अमराज में मुब्तला होने के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, खासकर अगर उसमें कोकेन भी शामिल हो। तो उन्होंने नशा सुकून पाने के लिए नशावर अद्वियात का इस्तेमाल शुरू किया और यही वजह है कि इस वक्त हमारे समाज में नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही। मैं तो ये नहीं कह सकता कि इसकी शरह कितनी, लेकिन ये वसूख से कह सकता हूँ कि जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, इसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो एक वजह यह है, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करना हार्ट अटैक में मुब्तला होने के लिए बहुत काफी है। नंबर दो, जिंदगी अगर मुरतब ना हो, यानी आपकी जिंदगी में रोजाना मुरतब वर्जिश शामिल ना हो, तो आपका दिन बेकार हो जाता है। जिस तरह लोग आप देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स मसल बनाते हैं, बाजू के मसल बनाते हैं, बैक के मसल बनाते हैं, इसी तरह दिल भी एक मसल है। दिल का ये कानून है कि ऑल आर नन, दिल के सारे मसल या तो काम करते हैं या नहीं करते। अगर एक मसल खराब हो गया तो सब काम करना छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं स्टार्लिंग्स हार्ट लॉ। तो अगर आप कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स कुछ मुद्दत के लिए बेकार जिंदगी गुजारे, वर्जिश बाकायदा ना करे, तो दिल रूठ जाता है, उसे हम डीकंडीशनिंग ऑफ हार्ट कहते हैं। तो वो डीकंडीशनिंग ऑफ हार्ट आहिस्ता 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 फिर हार्ट अटैक के लिए राह हमवार करती है। गजा, हम अपने अच्छी गजा की तरफ तवज्जो नहीं,
हॉट फ्रेंडली फूड्स। डॉक्टर मैं आपके पास आ जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं आपसे आपके पास आ जाऊं। हमारे साथ सैयद एतिक साहब जुड़े हैं बड़गाम से, इनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है समाजी मसाइल पे। अतीक साहब हमारी आवाज आप तक पहुंचती है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बराबर आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। जैसे आप अभी डॉक्टर साहब को सुन रहे थे कि एक तो वजह इन्होंने कही कि जो हमारे नौजवान है उन्हें फ्री माहौल नहीं मिला जो उनका हक था, उसकी वजह क्या है वो हम सब जानते हैं। दूसरा उनका कहना है कि वर्जिश बहुत कम मिलती है, डिप्रेशन हो गया है जिस वजह से ये वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है, क्या ये सही है या क्या इसके अलावा भी कोई और वजह है जिस वजह से आजकल ये हार्ट अटैक का मसला या खुदकुशियों का मसला बढ़ गया है? हाँ जी सर, सर पहले तो मैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर की सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, जिसमें हमारे काबिल एहतराम मोहतरम डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब को आपने इनवाइट भी किया है। हालांकि डॉक्टर साहब ये जो कंसर्न फील्ड है तो हमारे फिशन जो है फिशन है डॉक्टर साहेबान है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो इन्हीं का फील्ड है, यही इसमें एक्सपर्ट व्यू दे सकते हैं, एक टेक्निकल व्यू दे सकते हैं कि जो हार्ट अटैक्स है कार्डिक अरेस्ट से इनकी क्या बेसिक जो मेडिकल रीजंस है क्या हो सकती हैं। अलबत्ता मैं एक अपनी एक व्यू देना यहाँ चाहूंगा, अपनी कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूंगा। वो सबसे पहले तो मैं यहाँ जब तक हार्ट अटैक्स की बात जब आती है तो सबसे पहले मैं तो यहाँ एक जो पैनिक स्ट्रिकन सोसाइटी है कश्मीर में, हमेशा ये होता है जब भी कोई चाहे कोई फ्लू आ जाए, चाहे कोई वायरस का कोई असर हो या कोई सीजनल डिजीज हो, जहां लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो हार्ट अटैक जो आज होते हैं जो रिपोर्ट हो, अब तो मीडिया है, चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया है सोशल मीडिया है, आज नॉलेज एक्सप्लोजन है, जल्दी खबरें मतलब खुशी की खबरें हैं, किसी ने कोई एग्जाम पास किया, कोई आईएएस एग्जाम पास होगा तो वो भी पहुंच जाते हैं जल्दी, और जो किसी की डेथ हो जाती है चाहे वट एवर मेडिकल रीजन हो, चाहे कार्डिक रीजन हो, चाहे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो, वो सब हमारे पास आ जाता है। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है जब भी कोई डेथ हो जाती है सबसे पहले इसका रीजन हम कार्डिक बोलते हैं कि इसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो। मेरे ख्याल में मेरी व्यू ये है हर कोई जो डेथ रिपोर्ट है मेनस्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंसर्न्ड पर्सन हैज डाइड ड्यू टू कार्डियक रीजंस, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक ऐसा डिस्कोर्स बन चुका है कि एक ऐसा नैरेटिव बन चुका है कि अब जो कोई भी मरता है हम विदाउट एनी एक्सपर्ट व्यू हम खुद हर कोई अपने आप में डॉक्टर बन जाता। मैं भी मोहसिन अपनी जगह डॉक्टर बन जाता है, महीदीन साहब अपनी जगह डॉक्टर बन जाए कि फलानी को हार्ट अटैक हो गया। पहले तो कम से कम ये देखो कि डॉक्टर साहिबान ने इसके बारे में क्या बोला, क्या ये रिपोर्ट हो गया, किसी डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट हो भी गया कि वहां से ये इन्फ्रेंस ड्रा हो गई, कॉन्क्लूड हो गया किसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, एक लेमैन बोलता है किसको कार्डिक अरेस्ट हो गया। हालांकि डॉक्टर साहिबान को भी पता नहीं पूरा अभी, मतलब उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं होता इसको कार्डिक अरेस्ट हो गया या किस कोई और मेडिकल रीजन है। तो ये मैं बोलता हूं कि लेवल ऑफ जो पैनिक स्ट्रिकन सोसाइटी हमारे हैं, जो पैनिक हो रहा है उस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों में वो गम और तश्वीश की लहर दौड़ जाती है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये एक वबा मत बन चुकी है, हर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। हालांकि आज से 50 साल पहले 60 साल पहले एक सदी पहले भी डेथ्स होती है, फिर कहते थे लोग ये तो खाम का मर गया, कैसे पॉसिबल है, हर खाम का कोई मर सकता है, कोई ना कोई रीजन तो होगी। मगर अब साइनस ने इसकी डिजीजों की नाम दे दी, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को और कोई मैलेग्नेंसी हो गई, किसी को खुदा ना खास्ता ट्यूमर हो गया, अब ये नाम आ गए। अदरवाइज ये पहले भी थे, पहले भी डेथ्स हो गई होती थी,
और ये कार्डियक रीजंस होती मगर ये रिपोर्ट नहीं होती थी, या हमारा हमारे पास उतनी अवेयरनेस नहीं थी, या हमारे पास उतना मेडिकल जो मेडिकल साइंस हमारे पास उतना आ नहीं गया था, या उतना प्राइवेट हेल्थ केयर अभी फ्लोरिश नहीं हुआ था जितना इस वक्त है। अब लोग जो है कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट भी हो जाती है, ये बात सही है कि हार्ट अटैक्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हर कोई के टू लेबल एवरी डेथ एज अ कार्डियक अरेस्ट इज नॉट फेयर। तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया की भी, मीडिया को भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, खासकर सोशल मीडिया को, जो जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हर कोई डेथ रिपोर्ट जो होते हैं इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही फरमाया अतीक साहब आपने, बिल्कुल अच्छी तरह से वजाहत की इस चीज की। आजकल हमारे पास मेडिकल फैकल्टी की कोई कमी नहीं है क्योंकि जदीद जमाना है। मैं डॉक्टर साहब के पास फिर जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप अभी अतीक साहब को सुन रहे थे, इन्हें एक बात का इशारा दिया कि कोई भी मरता है तो बिना पूछे पाछे कहा जाता है कि भाई उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया। इसमें मेडिकल फैकल्टी या जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जब साहब अतीक साहब ने कहा कि कश्मीर में कोई भी बात चले तो एकदम आग की तरह वो फैल जाती है, लोग उस पर तबसरा करना शुरू करते हैं, कहीं ये हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई कमी तो नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। जो रफीक साहब फरमाते हैं आधा सच आधा सच नहीं था। डॉक्टरों को कैसे पता चलेगा कि मरीज की मौत कैसी होगी? उसके लिए पोस्टमार्टम करना पड़ता है, और पोस्टमार्टम करना कश्मीर में अब रिवाज नहीं रहा। जब मैं असिस्टेंट सर्जन था तो मैं कम अज कम, मैं मीरा कदल डिस्पेंसरी में एज असिस्टेंट सर्जन था, कम अज कम हफ्ते में 3-4 पोस्टमार्टम करता था, और हम बता सकते थे कि मरीज की मौत कैसे वाकई हुई, डेथ क्या है। यस, काज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है। लेकिन रफीक साहब के जवाब में मैं ये कहूंगा कि आम इंसान जो होता है, जब कोई अचानक मर जाता है, सडन डेथ, तो हम उसे हार्ट अटैक ही कहते हैं। मेलिग्नेंसी का मरीज तो अचानक नहीं मर सकता, कैंसर स्टामक का मरीज अचानक नहीं मर सकता, स्ट्रोक का मरीज भी नहीं मर सकता, उसको पैरालिसिस होती है तो बेचारा इंडोर हो जाता है, तो किसी को फॉलज हो जाए, अचानक नहीं मर। अचानक मरने की वजह से यहाँ मैं आपकी इतला के लिए और सुनने वालों की इतला के लिए थोड़ी सी डॉक्टरी अर्ज करूं कि हमारा जो दिल है ना, इस ये 24 घंटे हमें खून सप्लाई करता है हर अज़ा को, ये थकता नहीं है, ये एक सेकंड के लिए भी इस तरह आराम नहीं करता है, जबकि बाकी अज़ा आराम कर सकते लेडी नहीं कर सकती, ये अगर एक सेकंड के लिए रुक गया तो जान गई। इस लेकिन क्योंकि ये खून सप्लाई करता, इसको भी खून की सप्लाई जरूरत पड़ती है, और इसको उनको कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज 3 इसको ब्लड सप्लाई करती है। अगर 3 में से कभी ब्लॉक किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, एम्बोलिज्म या कोई थक्का बीच में आ जाए और हार्ट को कुछ मदद के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाए, तो वो हिस्सा मर जाता है, ब्लैक हो जाए, करना छोड़ देता है, और लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सा खून चलता रहे और अगर मरीज को बर वक्त इलाज मिले, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर वो अस्पताल पहुंचे तो वो बच सकता है। तो वजह ये है कि यहाँ हम लोग कश्मीरी लोग हर चीज को तिरछी नजर से देखते, कोरोना को भी साजिश करार दिया है, या सच ही माना अच्छा हमारा मेडिकल असिस्टेंट कहता है ऐसा कुछ सा कोरोना मसाला मास मना पका नहीं, लिहाजा हम लोग एग्जेजरेट करके ये रफीक साहब सर्च करें, हमने कहा किस किसका पोस्टमार्टम किया, किस हाँ 29 हम लोग वाकिफ होते हैं एज मेडिकल स्टूडेंट्स, हम अभी स्टूडेंट ही है, तो क्या हो रहा है हमारी वाद में इस बारे में हम खबर रखते हैं, किस किस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और बताया गया कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन इतना हम थ्योरिटिकली
हाइपोथेसिस कह सकते हैं कि जो नौजवान मर्दों में से अक्सर हार्ट अटैक से मर गए, मगर हार्ट अटैक कोरोना से भी हो सकता है, हार्ट अटैक किसी वजह से, सिगरेट नोशी भी इसमें अहम रोल अदा। आज मसलन अगर एक बंदा 25 साल तक सिगरेट नोशी करता है तो उसके हार्ट अटैक, दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज होने में कोई शक ही नहीं है, वो हो सकता है। इसलिए अगर कोई शराब नोशी करता है, कसरत शराब नोशी, हमें चलो अगर ये हम ना माने कि हार्ट अटैक से, लेकिन ये इतला तो मिली है हमको कि शराब नोशी अब हमारे नौजवान कसरत से कर रहे हैं, जम्मू से आ रहा है, बाकी जगहों से आ रहा है, यहाँ बहुत सारी शराब की दुकान या स्मगल हो रहा है, तो सिगरेट नोशी, शराब नोशी और नशा और अद्वियात का इस्तेमाल जब कोई नौजवान शिद्दत से करे तो उसके हार्ट अटैक में मुबतला होने के इम्कान। आम लोग जो होता है, आम लोग इन चीजों से बेखबर होता है, मसलन आप और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं करे कि साहब और डॉक्टर नजीर और आप बात कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ सकते कैसे कर, ठीक है। इसी तरह आम लोगों को तुम्हें इंसान को हार्ट अटैक या ब्रूट सुना वो, इसीलिए ये साबित करना, लेकिन इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है या डॉक्टर की कोई गलती, वो क्या कर सकते हैं। आपने अगर को एक मुझे याद है लाल बाजार में एक जर्नलिस्ट रस्ते पर गिरा, ठीक है, उसको दफनाया गया, अगर हमने उसका पोस्टमार्टम किया होता हमें पता चलता, या कितने भी नौजवान चल बसे अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को ये इजाजत दी गई होती कि इनका पोस्टमार्टम कीजिए तो मुझे पता चलता। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैंने वहां अपने बाकी दोस्तों के साथ रिपोर्ट किए हैं बहुत सारे, मतलब खासकर आर्मी वालों के ऑर्गन्स आते हैं, स्टोमक आता है, हार्ट आता है, मैंने खुद बहुत सारे रिपोर्ट दिए हैं कि इन इस आर्मी वाले को हार्ट अटैक हुआ, वरना अगर पैथोलॉजिस्ट हम ये रिपोर्ट ना दे कि इसको हार्ट अटैक हुआ तो मुकदमा दूसरे दोस्त पर, शायद उसने गोली चलाई, शायद उसने कुछ जहर दे दिया, यानी सिर्फ 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 पोस्टमार्टम से ये पता चल सकता है कि ये मरीज किस बीमारी से चल रहा है। किसी वक्त हार्ट का डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ थोड़ा मौजू से हट के, थोड़ा हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, हर कोई प्रॉपरली अपना अपना काम करता है, लेकिन आजकल जब कोई बीमार हो जाता है अक्सर ज्यादातर लोगों को तो दिल की परेशानी, जैसे आपने पहले फरमाया, अतीक साहब ने भी फरमाया कि हमारा माशरा ही एक ऐसे माहौल में गिर गया है कि जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जब ठीक ठाक नहीं होता तो सबसे पहले असर इंसान के दिल पे ही पड़ता है। आजकल जब हम भी बात करते हैं, लोग हमसे बात करते हैं कि अगर हम कहीं डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि सर मेरे चेस्ट में पेन है या मेरे को दिल की कोई प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले हमें दसियों टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है कि भाई आप फलानी जगह जाओ, इतने टेस्ट करो, और जब टेस्ट करके वापस आते हैं तो उसमें सारे नॉर्मल 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 होते हैं, फिर एक आध टेस्ट उसमें दिखाया जाता है ये पॉजिटिव है, और इस तरह से क्या होता है कि ओवर बर्डन हो जाता है, हर के लिए पॉसिबल नहीं होता है इतनी सारी अमाउंट पे करना, तो इस वजह से हम डरते हैं कि अब डॉक्टर साहब के पास क्या जाना है, बस अल्लाह भरोसे ही छोड़ देंगे सब। तो इस सिलसिले में सर आप चूंकि काफ़ी माहिर हैं, उस्ताद भी रह चुके हैं इस फील्ड में, और ख़ासकर आप एक कश्मीरी शहरी भी हैं, हम सब यहाँ के रहने स्टेट के रहने वाले लोग हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि एक आम इंसान को क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे जो उसको ले जा रहा होगा हार्ट अटैक की तरफ, और उसे क्या करना चाहिए। हाँ ये सवाल से, लेकिन सवाल का पहला हिस्सा सही नहीं था कि डॉक्टर लोग टेस्ट वगैरह ले, वो डॉक्टर दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो एक बहुत अलग मौजू है, मैं आप उस पर दो घंटे बोल सकता हूँ, वो सही है कि हम लोग यहाँ जैसे हमारे समाज में कोई किसी में दिलचस्पी नहीं लेता है, तो हमारे डॉक्टर भी हमें, क्योंकि डॉक्टर आसमान से तो नहीं टपका है, अमेरिका से तो नहीं आया है, वो भी कश्मीरी है, वो दिलचस्पी नहीं लेता है, बाकी टेस्ट वेस्ट वो क्या करते हैं वो अलग एक बहुत बड़ा मौजू है। तो जहां तक ये सवाल है कि आपने क्या पूछा था सर, मैंने पूछा था कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी बालफाजी हार्ट अटैक की अलामत क्या है, ठीक है सर। सर सर जब अगर इंसान सही सलामत बैठा हो और सिगरेट नोशी करता हो, शराब नोशी करता या ना करता हो, और अच्छी गजा ना खाता हो, वर्जिश ना करता हो, और सबसे बड़ी बात उसके नींद में खलल हो,
वो अच्छी 8 घंटे पूरी नींद नहीं करता हो, और उसके या किसी और नॉर्मल शख्स के सीने के वस्त्र में, यानी जहां टाई बांधी जाती है, यहां दर्द होता है। ये दर्द पहले मीठा दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तेज बढ़ता जाता है, ये दर्द बढ़ता जाता है और ऐसी शिद्दत इख्तियार करता है जैसे कपड़े को आप निचोड़ते हैं, कटांशु दर्द। इसके बाद ये दर्द बाईं तरफ फैल जाता है, कंधे को होता हुआ बाईं तरफ बाजू को उंगलियों तक फैल, किसी वक्त ऊपर वाला लब भी बेहिस हो जाता है, और उस वक्त इंसान को यूं लगता है कि कहता हम गसन वो बुछुस ठीक के। मरीज कहता है कि आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या कौशल कोशिश बना मुश्कत मत गसान कहता हम गसन, इसे पसीना छूटते हैं या तो बना तुरुन वर्ग। तो उसके बाद वो उसे लगता है कि जैसे मैं डूब रहा हूं। अगर इस वक्त इसी वक्त उसे हॉस्पिटल लिया जाए, या कम से कम एस्पिरिन वाटर में जो सॉल्युबल गिलास में डाल के पिलाया जाए, तो उसके बचने के इम्कान बहुत रोशन हो जाते हैं, उसी वक्त उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर वो 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचे, उसे मखसूस किस्म की दवाइयां दी जाती है 5-6 टेबलेट, अगर नहीं तो तब तक ब्लॉक हो जाता है, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया, हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक गई तो हार्ट अटैक शुरू हो जाता है। और डॉक्टर साहब, ये चूंकि काफी काफी लंबा मौजू है, काफी टाइम चाहिए और बात करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फिर एक बार आपको मुदू करेंगे, इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले अतीक साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं जो हमारी समाजी बुराइयां हैं, जिसमें कई चीज़ों का इशारा डॉक्टर साहब ने किया, ये तो जिम्मेदार नहीं है जो अचानक अमवात हो जाती हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मगर उससे पहले मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जो मैंने स्टार्ट की बात कही कि मैंने जब बात कही कि पैनिक की, इसमें मैंने डॉक्टर साहिबान को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि डॉक्टर साहिबान इसके लिए जिम्मेदार है, उनको बताना है कि कैसे डेथ हुई। मैंने सिर्फ जनरलाइज्ड एक पर्सपेक्टिव रखा कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में कैसा डिस्कोर्स इवॉल्व हुआ है कि हम कैसे चीजों को लेते हैं। मैं वहां डॉक्टर, वहां तो डॉक्टर साहिबान को कैटेगरी में खड़ा करना वो तो जस्टिफाइड है ही नहीं, उनको हम कैसे जिम्मेदार। सर मैं डॉक्टर साहिबान की बात नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल मैं पैनिक स्ट्रिकन जो सोसाइटी हमारी बन चुकी है, हम हर किसी बात को आग की तरह फैलाते हैं। अभी मतलब अभी वहां से डेथ रिपोर्ट ही हो गई तो हमने बता दिया हार्ट अटैक हो गया, मैं उसकी बात कर रहा है कि लोग इसको ज्यादा जो है इमोशनली अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, वो बात मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात आपने मैदी साहब बताई कि जैसे कि समाजी बुराइयां है, उसमें तो वो तो हमारे इस्लाम में भी कहा गया, जब एक कौम समाजी बुराइयों में फंस जाती है तो उसको अल्लाह ताला उसको मुख्तलिफ जो है आजमाइशों में, अजाब में, मुसीबतों में या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है। मैं हर किसी इंसान को, हाँ अपनी सारी सोसाइटी को तो ये दोष नहीं देना चाहूंगा कि यहाँ समाजी बरचाए। आप अभी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो आप देखिए, आप स्कूलों में देखिए सोशल डिस्टेंस हो रही है, कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, मगर आप वही टूलिप गार्डन का हाल देखो, आप वही एक्सकर्शन स्पॉट्स का हाल देखो कि कैसे दिन दहाड़े मॉरल वैल्यूज को जो है पांव के तले रौंदा जा रहा है। तो जब हम समाजी बुराइयों की बात करते हैं या खासकर ड्रग एडिक्शन की, उसमें ड्रग एडिक्शन ज्यादा आ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ड्रग एडिक्शन की वजह से मुख्य बीमारियां हो जाती, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, तो ड्रग एडिक्शन इसमें बोल मैं वो जो समाजी बुराई है वो तो अलग टॉपिक है, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, वो इसमें हम मिक्स नहीं। पॉपुलेशन असर अंदाज हो रही है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वजूद आ रहा है। चलिए शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और
डॉक्टर साहब ये मोहतरम मेंटर से आप, हेलो, आपने शुरू में कहा खुदकुशी के बारे में सर, सर तो खुदकुशी इस्लाम में हराम है, लेकिन आप खुदकुशी एक इतना बड़ा मौजू है, आप इस पर एक एक घंटे का प्रोग्राम कर सकते, ये हराम है। खुदकुशी करेंगे आपको फिर मुद्दू करेंगे, और आखिर पे वक्त सर से आपकी क्या मैसेज होगी हमारे समाज के लिए? नहीं देखिए, इस वक्त आप बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, तो मैं कहूंगा हार्ट अटैक से बचने के लिए, उसी सिलसिले में कह रहा हूँ, हार्ट अटैक से बचने के लिए नौजवानों में खासकर और बाकी अमूमन, सबसे पहले आप एक बेहतरीन मुरतब मुनजम पाकीजा जिंदगी गुजार, कोई भी दवाई अपनी मर्जी से न लें और ना अपनी मर्जी से छोड़ दें, रोजाना कम अज कम आधा घंटा से ज्यादा घंटा सुबह वर्जिश करें, सबसे अच्छी वर्जिश है ब्रिस्क तेज से चलना, इतना तेज से चलना कि थोड़ी सी सांस फूल जाए, आप फोन का जवाब ना दे सकें, बस आधा घंटा जो चाहे वो डांस भी कर सकते हैं, या आजकल घरों में जिम है बने हैं वो भी कर सकते हैं, यानी किसी भी सूरत में वर्जिश करनी, कोई जो आप जॉगिंग करिए, स्विमिंग कीजिए, जो आपकी मर्जी है वर्ज, मैं तो अगर मुझे हुक्म कुफुर न दीजिए मैं तो कहता हूँ जितनी जरूरी नमाज है उतनी जरूरी वर्जिश भी, क्योंकि वर्जिश के बगैर आप बहुत सारी बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं, हत्ता कि कोरोना में भी, क्योंकि वर्जिश ही ऐसी चीज है जो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, गजा का कम रोल है लेकिन वर्जिश ही आपकी सेल्स को फाल और मरतब करता है जो आपको बीमारी से बचा सकता है। और फिर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने कीमती वक्त हमें दिया, मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर एक बार हम आपको दावत दे देंगे इस मौजू पर भी, और इसके बगैर जो बाकी मौजूद है जो हमारे समाज के साथ रिलेटेड है उन पर बात करेंगे। तो सामिन किराम, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब और सैयद अतीक साहब, हमने कोशिश की इनके साथ बात करने की, हम फिर ये कहेंगे कि हमारा बिल्कुल ये मंशा नहीं होता है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, लेकिन मीडिया आवाम की आवाज़ होती है और ये किसी बंदिश की मातहत नहीं होती है। अगला प्रोग्राम लेके आपकी खदमत